हमारे सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए एक और खुशखबरी, बिकॉज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इकोनॉमी पोर्शन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया इकोनॉमी की नहीं। और जन की इकोनॉमी में सबसे पहले जो मेजरली हम लोग 3-4 सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहला जो सेक्टर आता है वो आता है हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वाला, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वाला। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जितने भी इंडस्ट्रीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे जन के में हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर। देन उसके बाद हम टूरिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, ये सारी चीज़ें हम लोग जे एंड मतलब जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी प्रोफाइल में हम कवर करने वाले हैं। और आज का ये जो वीडियो है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम योर जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी प्रोफाइल पोर्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट कंपोनेंट जिसका जो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता था कि उसके जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ताकि जब मैं आप लोगों के साथ टॉपिक पढ़ाना आपको स्टार्ट करूं तो आपको कोई भी चीज़ नई ना लगे और आपको बोरिंग फील ना हो। देखो होता क्या है, हम लोग बोरियत तभी फील करते हैं जब हमें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं होता। लेकिन अगर आप जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा और उस टाइम पे जब आप ये सारे क्वेश्चंस देखोगे वहाँ पे, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज़ पे मैं ज़्यादा जोर देना है। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि अगर वो बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारा JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल नहीं किया, सो गाइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐप इंस्टॉल कर लो आप JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर ऐप में आपको जम्मू एंड कश्मीर JKSSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सारे क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे और उनका कंटेंट आपको मिलेगा, सो दैट कि बिना टाइम वेस्ट किए आप एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़े जो एग्ज़ाम में आएगी, ताकि आपका कम टाइम में आप लोग सिलेक्शन जो है वो ले सकें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर जो है वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर, ओके। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जम्मू एंड कश्मीर की इन टर्म ऑफ पावर जनरेशन, दैट इज़ मतलब कितनी है वो, ठीक है। आप सभी को बता दूँ, टोटल कैपेसिटी दैट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, वो अलग है। इंस्टॉल्ड, जो इंस्टॉल्ड हो चुकी है वो अलग है। सो इसमें बेसिकली उन्होंने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है, 2579.49 मेगावाट, ठीक है। किलोवाट में भी होता है और मेगावाट में भी होता है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगा आप लोगों को बताऊँगा। देखो जितने भी डैम्स हैं, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे क्लासिफाइड हुए हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, ठीक है। तो वो मैं सारी के सारे जितने भी है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वाले टॉपिक में से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन दस जो वाटर ट्रीटी था वो पहले JKSSB के सिलेबस में एक अलग मेंशन टॉपिक था, बड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एसोसिएट है, तो किसके साथ है वो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से साल में विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का पार्ट बना, ठीक है। कब बना था वो, 2001-02 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। बताइए भाई कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नोडल एजेंसीज के तौर पे एक्ट करती है JNK में, तो दैट इज SPDC, मतलब स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने का मेरा एक ही मकसद है कि जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि कल से आप लोगों के इकोनॉमी प्रोफाइल के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, और जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ तो आपको कोई भी चीज़ में नई ना दिखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि
जो 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है सेवा, SEWA सेकेंड ऑफ NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन करके इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जो सेवा सेकिन करके है, सेवा सेकिन बेसिकली एक डैम है जो कठुआ रावी के ऊपर है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सप्लेन करके, तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि बसोली बेल्ट में जो है लोकेटेड है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बताइए भाई कौन सी नदी के ऊपर है ये? तो ये रावी के ऊपर है, ठीक है। रावी जो है वो ऑब्वियसली बहती है थ्रू कठुआ, तो इसीलिए आप इसका आंसर जो है रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो हैंडओवर किए गए थे NHPC को एग्जीक्यूशन के लिए? तो वो है उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेकेंड, उसके बाद बुरसर सेकेंड, देन सेवा सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। HEP का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन की बौछार जो है वो अब कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने JKSS में ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये ऐप आप लोगों की लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है पूरे JNK में कहीं नहीं मिलेगा। ओके सो गाइज, थैंक यू सो मच। हमारे जो पेड वाले बच्चे हैं उनको पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, जिसमें 50+ क्वेश्चन होंगे। और उनको, बट जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स बाय नहीं किया, मैं यही बोलूँगा कोर्स बाय कर लो ऐप को इंस्टॉल करके, सो दैट कि आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।